हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी या यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए करेंट अफेयर्स 2022 या करेंट इवेंट 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके ऑलरेडी 98 वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दिए हैं। इन वीडियोस को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस किए, साथ में भी जो भी मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड बन सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। यदि आपने वीडियोज नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और करेंट अफेयर्स 2002 प्ले लिस्ट ऑप्शन में जाकर ये सारी वीडियोज देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया की जो फर्स्ट रीजनल टॉय फेयर ऑर्गेनाइज किया गया वाराणसी में, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो देश की पहली क्षेत्रीय खिलौना प्रदर्शनी का जो आयोजन वाराणसी में किया गया उसको हम यहाँ पे देखेंगे। इस न्यूज को हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे, साथ में जो लास्ट में इसके जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं इसी न्यूज करेंट न्यूज से रिलेटेड वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं इंडिया की फर्स्ट डिजिटल टॉय फेयर जो कि आपका वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बात की जाए द फर्स्ट रीजनल टॉय फेयर इज ऑर्गेनाइज इन वाराणसी। तो इंडिया का पहला रीजनल टॉय फेयर क्षेत्रीय खिलौना प्रदर्शनी रीजनल टॉय फेयर इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय खिलौना प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो ये आपके वाराणसी में किया गया है। वाराणसी में जो है वो आपका रीजनल टॉय फेयर क्षेत्रीय खिलौना प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कहाँ पे किया गया है वाराणसी में? दीनदयाल हस्तकला संकुल ट्रेड फेलिसिटेशन सेंटर एंड म्यूजियम फ्रॉम 27th of May से लेकर 30th of May 2022 तक इसको आयोजित किया गया है। किस किस डिपार्टमेंट के द्वारा इस क्षेत्रीय खिलौना प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है? ये डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैंडीक्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन एसोसिएशन विद द एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। इनमें राज्यों के शिल्पी अपने अपने खिलौने लेकर प्रदर्शनी में यहाँ पे सम्मिलित किए गए, जिसमें कि असम आंध्र प्रदेश मणिपुर राजस्थान मध्य प्रदेश कर्नाटक से जो खिलौनाकार थे वो यहाँ पे सम्मिलित हुए। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यहाँ पे इसका प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट के द्वारा इसको आयोजित किया गया है। बंडालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में क्षेत्रीय खिलौना प्रदर्शनी लगाई गई। तो यहाँ पे यहाँ से हमको याद रखना है ये जो आपकी खेल क्षेत्रीय खिलौना प्रदर्शनी है इसको कहाँ आयोजित किया गया है? वो आपका दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में इसको जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। अब यहाँ इस इवेंट से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है वो यही बन सकता है कि इंडिया का पहला ट्रेड फेयर जो आपका इंडिया का पहला जो आपका खिलौना प्रदर्शनी है टॉय फेयर इंडियाज फर्स्ट रीजनल टॉय फेयर रीजनल मतलब क्षेत्रीय खिलौना प्रदर्शनी। तो यहाँ से यही क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया का पहला फर्स्ट रीजनल टॉय फेयर कहाँ पे आयोजित किया गया था, कहाँ पे लगाया गया था? तो ये आपका वाराणसी में इसको लगाया गया, वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसको आयोजित किया गया था। कहाँ पे? पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में इसको आयोजित किया गया था। तो यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और ये छोटी सी न्यूज है जिसको हमने डिस्कस किया कि देश की पहली क्षेत्रीय खिलौना प्रदर्शनी इंडियाज फर्स्ट रीजनल टॉय फेयर जो है वो आपको वाराणसी में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? वाराणसी उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में इसको आयोजित किया गया था। तो ये ऑल अबाउट था आपकी इंडिया की फर्स्ट क्षेत्रीय खिलौना प्रदर्शनी के बारे में। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले समय में जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।